महाराजा गुराज निषाद थे और आज के दिन में वहाँ राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसे हम लोग गौरवान्वित हैं। ये सब बातें बढ़ाने के लिए अभी सैयद हर जिले में एक प्रवास चल रहा है, लगभग 10 तारीख तक मेरा प्रवास है और 13 तारीख को वहाँ रमा देवी अम्बेडकर पार्क में पूरे प्रदेश और दूसरे भी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपनी प्रदर्शन का शक्ति का एहसास कराएंगे। डॉक्टर साहब, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होना है भगवान श्री राम का, तो निषाद राज उनके मित्र थे भगवान राम के, ये बताइए कि आप लोगों का क्या पार्टिसिपेशन रहेगा, किस तरह से आप लोगों को इनवाइट किया गया है वहाँ पर? देखिए, पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जब प्रयागराज में उतरे तो उन्होंने 9 बार जय निषाद राज का उद्घोष किया और निषाद राज की धरती को प्रणाम किया और उसे किले को पर्यटक स्थल घोषित किया और आज के दिन में जंगल से मंगल बना दिया, वहाँ सब कुछ हो चुका है, विकास हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दूंगा। तो हम लोग गौरवान्वित हैं कि एक गुरुकुल ऐसा था अयोध्या में जिसमें दो कुल के लोग पढ़ते थे, निषाद राजकुल और रघुकुल के, और दोनों लोग मिले। जब वो वनगमन गए तो अपने बड़े भाई को गले लगाए, निषाद राज ने अपनी सेना दिया, रावण राज खत्म हुआ। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम आए, राजाभिषेक के बाद पहले कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया तो राम राज आए। तो हम लोग सबसे निषादों के घर में दिवाली बन रही है इसलिए कि राम मंदिर बन रहा, क्योंकि राम मंदिर बनने से निषाद राज का जितना भी स्थान है वो आगे बढ़ रहा। तो हम लोग पूरे दलबल के साथ अयोध्या में हमारे लोग यहाँ से जाएंगे और दिवाली भी मनाएंगे। और हम लोग कैबिनेट, अभी आपने देखा होगा कि हमारे मोदी योगी जी ने कैबिनेट की बैठक अयोध्या में की थी, जो आज के 2000 वर्ष बाद जब कभी भगवान राम ने कैबिनेट की थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोग कैबिनेट। एक सवाल सर ये है कि जिस तरह से निमंत्रण को लेकर के राजनीति हो रही है, उस पर क्या कहना है आपका? भगवान राम एक भारतीय संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक ऐसा संदेश दिया है कि दुख का राज खत्म करो, सुख का राज लाओ और सभी बिना भेदभाव के सभी लोगों को तताओ। तो ये बिना निमंत्रण के वहाँ जाना चाहिए, इसका राजनीति नहीं होना चाहिए, वो सबके हैं। ऐसा तो नहीं वहाँ किसी एक के लिए मंदिर बन रहा। आज के दिन में दुनिया के लोग, 167 देशों के लोग वहाँ से जल लेके आए थे जिसमें हम लोग गए थे। तो जब 167 देश के लोग आके राम मंदिर के पास आके अपना समर्थन दे सकते हैं, जल समर्पित कर सकते हैं, तो यहाँ के सभी दल के सभी नेताओं को, सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को राम मंदिर के उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए और उस आस्था को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी की टेबल से हमारे मुद्दे हल होने हैं, उस टेबल तक डॉक्टर संजय पहुंचाए और किताब प्रमाणिक दस्तावेज गायब थे, हमने प्रमाणिक दस्तावेज लाया और ऐसे ऐसे गायब हैं कि किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हुआ कि हमारी पब्लिक जिस फाइल, जिस रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जात बनी थी, जिसमें लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन थे, वो फाइल ही पिछली सरकार ने गायब करा दिया और प्रमाणिक दस्तावेज आज मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा साहब ने लिखा। तो अगर हमें प्रमाणिक दस्तावेज मिला तो जिस तरीके धारा 370 खत्म हुआ, राम मंदिर बना, आज बाबा विश्वनाथ है, ये सारे चीज़ें बन रही हैं और मछुआरों के लिए तमाम नीतियाँ बनी हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और निषाद राज योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण कोष है, सामूहिक दुर्घटना बीमा है, इनके लिए जो है किसान फिशरीज क्रेडिट कार्ड है। तो ये सारी नीतियों से इनका विकास किया जा रहा और संवैधानिक रूप से जो इनकी जो सूची में सूचीबद्ध मछुआर हैं, जिस तरीके से महिलाओं का आरक्षण मिला उसी तरीके से इनका भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। देंगे तो मोदी ही देंगे, इसलिए उनके साथ रहना, सबका साथ देकर हम लोग बर्बाद हो गए, अभी हमारे लोग मोदी के साथ रहकर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।